धीरेंद्र शास्त्री का विरोध करने वाले अब उनके पोस्टरों पर अपनी खीज उतार रहे हैं। आप देखिए पटना में कई जगहों पर जो पोस्टर्स लगाए गए हैं बाबा धीरेंद्र शास्त्री का, उस पोस्टर्स पे किस तरह से कालिक पोती गई है वो तस्वीर देखिए। ये इनकम टैक्स चौराहा है जहाँ पर अभी हम मौजूद है, और यहाँ पर एक पोस्टर आप दिख पा रहे होंगे जिसमें कि पोस्टर्स पे कालिक पोत दी गई है, और ये काफ़ी व्यस्तम चौराहा में से एक है पटना का, और यहाँ पर किस तरह से जो कालिक है वो पोती जा रही है पोस्टर्स पे। और इसके अलावा भी कई जगहों पर, चाहे वो डाक बंगला चौराहा हो, चाहे वो आर ब्लॉक चौराहा हो, तमाम जगहों पर ये तस्वीर दिख रही है जो पोस्टर्स लगे हुए थे उस पर कालिक पोत दी गई। आप देखिए ये बाबा बागेश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का जो ये पोस्टर्स है, इस पोस्टर पर कालिक पोती गई है, और 420 यहाँ पर आप देखिए लिखा गया है जो शरारती तत्व थे या जो भी लोग इसमें शामिल थे उसने किस तरह से टारगेट किया है, और पोस्टर्स के जरिए ये कोशिश की गई है कि अपना मैसेज दे। और यहाँ पर देखिए सीसीटीवी कैमरे जगह जगह लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे हर तरफ, क्योंकि ये काफ़ी व्यस्तम चौराहा है पटना का, तो ऐसे में जो सुरक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी अहम माना जाता है, और वहाँ पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे हैं। बावजूद इसके हिम्मत किया गया कि इस पोस्टर्स को, जो ये तमाम पोस्टर्स लगे हुए हैं उसको, उस पर कालिक पोती जाए, ये बड़ा सवाल है। आखिर सिस्टम कहाँ है, पुलिस कहाँ है, प्रशासन कहाँ है, क्योंकि इस चौराहे पर लगातार दिन रात ड्यूटी होती है पुलिस की। यहाँ पर चेक पोस्ट भी है, पुलिस का एक चेक पोस्ट भी है, वो भी हम दिखाते हैं आपको, और जगह जगह सीसीटीवी कैमरे है। जो प्रशासन है वो ये कहता है कि हमेशा जो सीसीटीवी कैमरे हैं उस पर नज़र रहती है। आप देखिए ये पुलिस चेक पोस्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर पटना ट्रैफिक का ये चेक पोस्ट है, और ये चेक पोस्ट के बगल में जिस तरह से पोस्टर्स को कालिक से जब पोत दिया गया है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर जो विरोध लगातार धीरेंद्र शास्त्री को लेकर हो रहा था, क्या ये विरोध उसी का नतीजा है, विरोध का ही ये नतीजा है कि वो इस तरह से किया गया। यहाँ भी देखिए एक पोस्टर यहाँ भी लगा हुआ है, इसे भी देखिए कालिक पोत दिया गया है, यहाँ भी 420 इस पोस्टर पे भी लिख दिया गया है, और इस तरह से कई पोस्टर हैं पटना में जहाँ पर लोगों ने अपना खीज उतारा है। जो असामाजिक तत्व है, जो नहीं चाहते हैं कि धीरेंद्र शास्त्री यहाँ पर पहुँचे, वो उन लोगों का ये विरोध है, और इसी के जरिए वो अपना विरोध दर्शा रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा है कि क्या आखिर जिस तरह से धीरेंद्र शास्त्री के पटना दौरे को लेकर सियासत हुई, जिस तरह से उनके खिलाफ लगातार बयान दिए गए, चाहे वो तेज प्रताप यादव हो, चाहे आरजेडी के नेता हो, उनके तरफ से जो बयान दिए गए, क्या उसी का नतीजा है कि जो असामाजिक तत्व है उनका इतना मनोबल बढ़ गया कि अब वो पोस्टर्स को फाड़ रहे हैं, पोस्टरों पर कालिक पोत रहे हैं, ये बड़ा सवाल है।